हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली वर्सेज चेन्नई के बीच में जो मैच होने वाला है दिल्ली में, इस मैच के बारे में। इस मैच की मैं आपको DREAM11 और जो है और MyTeam11 की टीम देने वाला हूं और ग्रैंड लीग की टिप्स देने वाला हूं जिससे आप बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग टीम न्यूज़ एंड एनालिसिस के लिए जो आप मेरी एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। तो फ्रेंड पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की प्लेइंग 11 के बारे में। तो ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, विजय शंकर, पृथ्वी शॉ, जेसन रॉय या फिर कॉलिन मुंडू से में से कोई एक खेलेगा। ऑलराउंडर में से अभिषेक शर्मा कंफर्म है, वहीं पे अमित मिश्रा, हर्षल पटेल, ट्रेंट बोल, संदीप लमचरे एंड जूनियर डाला या फिर जो है किसी को मौका मिल सकता है जैसे कि लियम पंकित को भी। चांसेस आउटसाइड है लेकिन मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। तो फिर हम बात कर लेते हैं CSK की। MS धोनी, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, सैम बिलिंग, ड्वेन ब्रावो, वॉटसन, जडेजा, डेविड विली की जगह शायद किसी और को भी मौका मिल सकता है। वहीं पे हरभजन सिंह, दीपक चहर एंड शार्दुल ठाकुर। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्लेयर का नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो जिसे आप पढ़ सकते हो और आप एक बहुत ही अच्छी टीम भी बना सकते हो। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। तो पहले हम लोग MyTeam11 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने MyTeam11 जो है डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, आपको जो है 100 रुपीज़ का जो है कैश बोनस मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और उस पैसे से आप जो है ग्रैंड लीग खेल सकते हो 100%। तो आपको कोई भी जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सारा लीग जो है कैश बोनस से खेल सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे एक टीम बनाया है तो मैं आपको सिर्फ प्रीव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं DREAM11 पे जाके आपको एनालिस करके बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे कैप्टन या था सैम वॉटसन को लिया, वाइस कैप्टन सुरेश रैना को लिया है और बाकी आप देख सकते हो रायडू, पृथ्वी शॉ, विजय शंकर, ऋषभ पंत। ज़्यादातर बैट्समैन को लेने की कोशिश कीजिए जैसे कि ड्वेन ब्रावो, अभिषेक शर्मा, बोलर्स पे ट्रेंट बोल्ट, अमित मिश्रा एंड शार्दुल ठाकुर को मैंने लिया हुआ है। तो फ्रेंड बात करते हैं आप जो है DREAM11 के बारे में। तो DREAM11 की मैं आपको जब टीम बनाऊंगा तो आपको एनालाइज करके भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले विकेट कीपर पर आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, MS धोनी एंड ऋषभ पंत। तो आप चाहें तो ग्रैंड लीग में जो है MS धोनी के साथ जा सकते हैं क्योंकि DREAM11 पे मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम देने वाला हूं। तो सेफ ऑप्शन के लिए आप ऋषभ पंत के साथ जा सकते हो। वहीं पर बात करते हैं बैट्समैन की, तो यहाँ पर आप श्रेयस अय्यर, सुरेश रैना, अंबाती रायडू को मैंने लिया है। आप चाहें तो कॉलिन मुंडू पे रिस्क ले सकते हैं या फिर जेसन रॉय पे, थोड़ी दोनों ही बहुत ही रिस्की हो सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे विजय शंकर को ले सकते हैं लेकिन बहुत ही नीचे बैटिंग करने आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पृथ्वी शॉ को लिया है। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर पे मैंने यहाँ पे सैम वॉटसन, ड्वेन ब्रावो एंड अभिषेक शर्मा को लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं जैसे कि रविंद्र जडेजा को ट्राई कर सकते हैं और वहीं पर मैक्सवेल के खेलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो फ्रेंड आप उसे मत ही लीजिएगा स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में आप किसी भी एक टीम में जो है रिक्स ले सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट को मैंने लिया है ग्रैंड लीग की टीम में, वहीं पे मैंने जो है शार्दुल ठाकुर और अगर आप नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पे संदीप लमिचन्ने को लिया है जो कि बहुत ही अच्छे लेग स्पिनर बॉलर हैं। तो बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में। तो फ्रेंड ग्रैंड लीग का आपको कुछ अलग सोचना होगा, तो जैसे कि बहुत दिनों से जो है सुरेश रैना उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो है वॉटसन या फिर अंबाती रायडू या फिर अभिषेक शर्मा को भी कैप्टन बनाएंगे ग्रैंड लीग में, MS धोनी को या फिर ऋषभ पंत को। वहीं पे सुरेश रैना और पृथ्वी शॉ जो है बहुत कम लोग इसे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाएंगे, तो आपके लिए वहीं पे जो है बहुत ही अच्छे जो ऑप्शन हो सकते हैं। तो फ्रेंड आपने देखा है कुछ ग्रैंड लीग का टिप्स, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबा देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। और गिव अवे जो है बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है तो उसके लिए आपको जो है वीडियो पे नीचे जो है कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।